सबको जय एमसी की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय एमसी की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय एमसी की। निराश था, बोल सकता था, मन में विचार आते थे, लेकिन उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी, पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आती थी कि कोई है, कोई मुझे आवाज लगाता था। इधर शैतान की आवाज सुनता था, इधर पवित्र आत्मा की आवाज सुनता था। आवाज आती थी, मैंने तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्लान करने के लिए ठान लिया है। हालेलुया। भागना चाहता था मैं, मरना चाहता था मैं, प्रॉब्लम में था, अपनों ने छोड़ दिया था, बेसहारा हो गया था। प्रार्थना करने के बाद भी मैं असफल हो गया था, लेकिन मुझे सिर्फ यही बात याद रही कि परमेश्वर को कोई प्लान मेरी जिंदगी में है। मैंने 3 बार हटना चाहा, मुंह से कुड़कुड़ाना चाहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मैं बार बार एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। और एक रात एक स्वर्गदूत आया मेरे सपने में, और उसी से मुझे सुबह उठाकर कहता है, कह रहा सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर मैं तुझे फेमस करूंगा, तू मेरा चुना हुआ दास होगा। आमीन। और आज मैं देखता हूं वर्ल्ड में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया वजह से कहा था। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो रुंगा दिया हुआ शुरुआत है, अभी तो असली तो आपने अभी देखना है। हालेलुया। जिस दिन मुझे फड़फड़ इंग्लिश आ गई ना, उस दिन तुम देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, सिर्फ वो इतने दिन के लिए मुझे चुन रहा है अभी। हालेलुया। इतने दिन के लिए मुझे पकड़ के रखा अभी, आप समझ रहे कि नहीं। कोशिश तो करता हूं मैं भी, करें नथिंग कैन स्टॉप, चाहे आज लिख कर लाया हूं गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आज मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, परमेश्वर का प्लान आज रात आपकी लाइफ में पूरा होकर रहेगा। आमीन। कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आमीन। कोई शैतान नहीं रोक सकता। आमीन। सिर्फ आप रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं। कैसे? क्या इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था? क्या प्लान था? कि इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाना, एक अच्छे देश में, फ्रूट थे वहां पर, करा एक अच्छे देश में लेकर जाना, करा दूध दही का खाना मारा हरियाणा सब में लेकर जाना। लेकिन अच्छा प्लान था परमेश्वर के पास, लेकिन उस प्लान में वो शामिल हो गए और उनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उनका प्लान, अपना प्लान कैंसिल कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उनके मुंह ने कराया, रोज बोलते थे पता नहीं हमारे लिए इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे, ये क्या हो गया? जब खाना नहीं मिला 3 दिन, पानी नहीं मिला पीने के लिए, कुड़कुड़ाने लगे, तू सीधा खड़ा रह, हिलना नहीं से, दिखा कैमरे में, स्टॉप, हाँ स्टैचू बन जा, स्टैचू, स्टैचू का मतलब ऐसे सीधा खड़ा, हाँ ऐसे बस, सुनो, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी मुसीबतें हैं आज रात मैं उनको आदेश देता हूं, आपके गेट के बाहर स्टैचू हो जाएं। आमीन। आपके जीवन से प्लान है परमेश्वर का। आप हल्के वाले लोग नहीं हो, ये हल्का पादरी नहीं है, मुंडियों को वहीं रोक देता है। चुप, सुन रहे हो कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, आप चुने हुए लोग हैं। लेकिन कब परमेश्वर अपने प्लान को कब रोक देता है? जो लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं, जो लोग करा पाप से समझौता कर लेते हैं, जो लोग करा अपनी हालातों में, अपनी कमजोरी में करा हार मान लेते हैं, परमेश्वर करा जो अपनी गरीबी में करा पाप से समझौता कर लेते हैं, उनके जीवन से करा परमेश्वर का प्लान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो, छोड़ता नहीं है, उसका प्लान है आपके जीवन से। आप 7 बार गिर भी पड़ेंगे तो भी उठ खड़े हो जाएंगे ईश्वर के नाम में। शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा वो परिस्थितियां, वो हालात आपको गिराने की कोशिश कर रही है। याद रखना, यीशु मसीह वो चुंबक है, पकड़कर छोड़ता नहीं है। आप छोड़ देंगे उसको, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। प्रचार पूरा होने दे, उसके बाद मुक्का मेरे स्वर्गदूत ही मारेंगे तुझे, मैं नहीं मरूंगा, देखना कैसा लगेगा, नासे फूटेंगे तेरी।
शैतान की। आप विश्वास करना है, सारे बोला हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो प्लान जो उसने सोचा है वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कही थी, कह रहा है कि बेटे तू मेहनती है। मैं लोगों को जगह जगह सुसमाचार सुनाने में मेहनत करता था, प्रार्थना करने में मेहनत करता था। परमेश्वर ने कहा मैंने ठान लिया है, जो ठान लिया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। मैं अमेरिका जाना चाहता था, कमाना चाहता था पैसा, बाहर जाना चाहता था, किसान का बेटा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में थे डैडी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने वो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं किया, अपने प्लान को मेरे जीवन से पूरा किया। और मैं आज आशीषित हूँ। याद रखना कि जो प्लान आप बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका प्लान ना बनाओ और आप कुड़कुड़ाने लग गए हो इसराइलियों की तरह। इसराइली क्या कर रहे थे, इसराइली कुड़कुड़ा रहे थे और उसी समय बोल रहे थे परमेश्वर, लेकिन क्या हुआ, कह रहा लाखों की कलीसिया थी मूसा के पास, लेकिन कितने लोग गए वहां पर, दो लोग कनान देश में गए, बाकियों की कब्र उसी जंगल में परमेश्वर ने बना दी। किस कारण से, कह रहा क्योंकि उनके सिर्फ मुंह के कारण से, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बुराई करने से, उनके कहने से। आज कह रहा विश्वासियों को, कह रहा परमेश्वर ने प्लान, कह रहा लेट क्यों हो जाता है, वो 11 किलोमीटर का सफर था, मैं कहूंगा एक दिन में पहुंचने वाले थे, लेकिन 40 साल लग गए उनको वहां जाने में। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हुई हो, आपको बच्चा मिलेगा, जॉब मिलेगी, आपका घर बनेगा, लेकिन बहुत बार हम मुंह से कुड़कुड़ा बैठते हैं, हम बहुत बार कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोल बैठते हैं। एक औरत ऐसे कह रही, कहते हैं ना हम, आपने कहते सुना होगा, जब बच्चा गलती करता है बोलती है कि परमेश्वर ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे, मतलब परमेश्वर पर दोष लगा रही है। एक औरत लव मैरिज किया, बाद में झगड़ा हो गया अगले साल, और परमेश्वर कह रही है परमेश्वर कितना था पति दिता था मैंने, कितना दिता पहले दस नहीं सकता थी। परमेश्वर ने कहा अच्छा ये भी मेरी गलती है, पूछ के तूने किया, मेरे से पूछा, लव मैरिज किया तूने, अब मेरी गलती है, फिर कितना ना दिता, ये दोष लगाना है, समझ रहे कि नहीं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए माइंड चेंज कर लेता है। अगर कोई ऐसा बोलता है परमेश्वर ये औलाद कैसी दीती, घर किदा ना दिता, परमेश्वर गड्डी दीती सी तू प्रोफेसी दे नाल, हुण की रस्ते च खराब होगी, पेंचर होगी, किदा दी गड्डी दीती कहना बंद करो ऐसा, हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप ऐसे कह रहे हैं, परमेश्वर के जो चेले थे इजराइली वो भी यही कह रहे थे, परमेश्वर मिस्र से क्यों छुड़ा कर लाया, मूसा क्यों छुड़ा कर लाया मिस्र से, इससे अच्छा तो वही ठीक थे। कई बार हम ऐसा कहते हैं, यार इससे अच्छा तो मैं वही ठीक था अमेरिका में, यहां क्यों आया, यार मैं तो हिमाचल में ठीक था, मैं यहां क्यों आया, मैं वहां क्यों आया, परमेश्वर ये तूने मुझे क्यों दिया। हम सारी बातों में, आदम ने जब गलती किया, हव्वा ने गलती किया, तो उसी समय आदम के पास परमेश्वर आता है, और उसी समय ठंडे समय में जब आया तो उससे पूछा, तो उसी समय बोलता कह रहा जो पत्नी तूने दी थी ना, जो हव्वा लड़की तूने दी थी ना, जो लड़की तूने दी थी ना, हेलो जो लड़की तूने दी थी, परमेश्वर पर दोष लगा रहा, कह रहा जो लड़की तूने दी थी, जो हव्वा तूने दी थी ना, उसने मेरे से पाप कराया, दोष लगा रहा है, पहले परमेश्वर पर फिर हव्वा पर दोष लगा रहा है। तो रुक जा, इधर बॉडी देखूंगा, जाओ मिनट रुक जा, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ, मैं अभी आज बादाम खा के आया भाई साहब दुबई वाले, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आज आपका प्लान कैंसल हो रहा है, आप हार रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि परमेश्वर का कोई भी प्लान करा कैंसल नहीं होगा आपके जीवन से, जो उसने ठान लिए वो पूरा कर कर रहेगा आज। आमीन। जितने हाथ उठा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी होगी आज। आमीन। परमेश्वर ने ठान लिया प्रमोशन होगी साल में। आमीन। उसने ठान लिया तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, तुम्हारा चर्च ग्रोथ करेगा, तुम ग्रोथ करोगे, तुम्हारा फाइनेंस ग्रोथ करेगा। आमीन। तुम्हारे बच्चे बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि तुम चुने हुए हो। देखो पहला पत्रस 2:9 में क्या लिखा कि तुम चुने हुए भागो। हाँ हाँ पढ़ेंगे। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या लिखा, करा कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। कौन हो, चुने हुए कौन हो, और राज पदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया।
कहता है राजाओं के बच्चों के समाज के हो तुम। हालेलुया हालेलुया। तुम अपने आप को छोटा मत समझो, तुम चुने हुए लोग हो। अगर जिसने आज फैसला ले लिया है प्रभु में चलने का, हो सकता है मुसीबतें आ रही हैं, हो सकता है क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान होता है। जिस व्यक्ति के जीवन से प्लान होगा परमेश्वर का, याद रखना उसको हलवाई नहीं बनाएगा, उसको नाई नहीं बनाएगा, मैं कह रहा छोटा सा नहीं बनाएगा, या अगर बनाएगा तो सबसे दुनिया में नंबर वन फेमस आदमी बनाएगा। याद रखना परमेश्वर का प्लान ऐसा है आपके लिए। लेकिन किन लोगों के लिए? करा चुने हुए लोगों के लिए, करा राजपद्धारी याजकों का समाज हो तुम। पवित्र लोग अगर पवित्र बनकर परमेश्वर के पीछे रिश्ता बनाकर चलोगे, करा निज प्रजा हो उसकी, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो, उसका कैरेक्टर तुम्हारे अंदर प्रकट हो, करा उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर, उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो। याद रखना ये दो लाइन, करा एक गुण करा और दूसरा पवित्रता ही करा आपके अंदर मिले तो परमेश्वर आज रात कह रहा है कि मैंने ठान लिया है। लोग कह रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकता, इसके तो बाल उड़ गए हैं। लोग कह रहा है तो काला है, ये तो पतला सा है, ये तो पागल है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। परमेश्वर कहेगा मैं इसी बच्चे को गांव में सरपंच बना के रहूंगा। आमीन। ठान लिया है मैं इसी बच्चे को एक बड़ी कुर्सी पर ऑफिसर की बैठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ठान लिया है। अगर 22 साल हो गए डॉक्टर कह रहा है कि तुझे मां नहीं बन सकती। एक औरत आई नेपाल से, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा मेरी ट्यूबे ब्लॉक पड़ी है दोनों और तू मर जाएगी, अगर ऑपरेशन कराएगी कुछ भी कराएगी मर जाएगी। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने ठान लिया है तुझे मां बनाकर छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कहती ऐसे कैसे हो सकता है 22 साल हो गए। मैंने कहा परमेश्वर की युक्ति है वो पूरी करेगा, लेकिन तुझे सिर्फ क्या करना है, तुझे इस बात को कन्फेस करना है कि मैं चुना हुआ हूँ। हालेलुया। और चुने हुए पाप नहीं करते, याद रखना चुना हुआ झूठ नहीं बोलता, चुना हुआ गाली नहीं देता, चुना हुआ ठट्टा नहीं करता, चुना हुआ शराब के ठेके पर खड़ा नहीं होता, चुना हुआ सारा दिन चैटिंग नहीं करता। समझ रहे चैटिंग समझ रहे कि नहीं? ये नीली बिली काली साड़ी वालों से बोल रहा हूँ, कर रहे हो कि नहीं? व्हाइट शर्ट वालों से बोल रहा हूँ, चैटिंग नहीं करता। चुने हुए चुने हुए नहीं लगते, सारी रात 2-2 बजे तक नहीं जागते। जब देखो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, मैं भी लोगों को गुमराह करता हूं। मैं क्या करता हूं, अपना फोन ऑन करके छोड़ देता हूं। मैंने कहा ऑनलाइन रहो तुम भी। हालेलुया। बंद ही नहीं करता, मैं किसी को मैसेज नहीं करता, मेरा पूरा महीना ऐसे ही खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म। कारण कह रहा है कि आज बहुत सारे मतलब अपने चेलों को डरा के रखता हूं, मैं ऑनलाइन हूं, तुम क्या कर रहे हो देख रहा हूं। हालेलुया। तू चुप रहा, भी ऑनलाइन नहीं है तू। सुनो आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया हालेलुया। चल बैठ जा थले जबड़े, देखो कैमरा कर, मान गया कहना, देखो ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु के नाम में। क्योंकि बेचारा कह रहा था मैं थक गया हूं, मैंने क्या कहा था मैं अभी दुबई के बादाम खा के आया हूं। इसने डर गया, नहीं मैंने यीशु मसीह का बादाम खाया, वचन का आज। हालेलुया हालेलुया। अरे हम जो कहते हैं वो होता है। आमीन। चुने हुए हो तुम, चुने हुए के साथ है परमेश्वर। करा चुने हुए, करा चुना हुआ कौन है जो करा हर संडे आता है? चुना हुआ कौन है जो करा के भरोसा रखता है परमेश्वर पर? करा अय्यूब के साथ क्या हुआ 2:10 में? करा 2:10 में पढ़ो, अय्यूब के 10 के साथ क्या हुआ 2:10 में? क्या तूने और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी। 1:10 पढ़ रही है, 2:10 में उसकी पत्नी आती है उसके पास और आकर कहती है अय्यूब करे के तेरा बच्चा मर गया है, करे के तुझे तो प्रोफेसी हुआ था तेरे लिए कि तू यूरोप का सबसे धनी आदमी होगा, ये क्या हुआ तेरे साथ, बच्चा मर गया, करे के बिजनेस चौपट हो गया और तू कुर्डी पर बैठकर करे छाले फोड़ रहा है। और अय्यूब क्या कह रहा था? अय्यूब कह रहा था ए भगवान तेरा दिमाग खराब है, मुंह में भी छाले है, नाक में भी छाले है, आंख में भी छाले है, लेकिन तेरा दिमाग खराब है, तू परमेश्वर के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? बोलती कि छोड़ दे परमेश्वर को, बोलती छोड़ दे। बोलता है करे के चाहे करे कि तू मुझे छोड़कर चली जा, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। करे जिस हाथ से वो दुख देता है क्या दूसरे हाथ से सुख, करे जिस हाथ से सुख देता है क्या दूसरे हाथ से दुख ना ले? उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। उसने कहा करे एक दिन आएगा, अपने फोड़े फोड़ रहा था कुर्डी पर बैठकर, तिल्ला लेकर नाक के फोड़ते ना लड़कियां ऐसे करके, पिंपल हो गया।
वो नाक पे फोड़े फोड़ रहा था, कमर पे फोड़े फोड़ रहा था, हाथों में फोड़े फोड़ रहा था और अपनी पत्नी को जवाब दे रहा था। उसके दोस्त आ रहे थे, अरे क्या मिला तुझे यीशु के पीछे चलकर? और उसी समय उसने क्या कहा, बोलता है अरे सुन, कह रहा है कि कोई बात नहीं। कहता क्या कर रहा है? कहता है फोड़ा फोड़ रहा हूं, जोर लगाते ना ये बाहर आ जा, कह रहा फोड़ा फोड़ रहा हूं। कहता है फोड़ते फोड़ते क्या कर रहा था? कह रहा एक दिन परमेश्वर का प्लान, उसकी योजना मेरे जीवन में पूरी जरूर होगी। हालेलुया, हालेलुया। दर्द हो रहा है, फोड़े फोड़ रहा है, आवाज भी निकल नहीं रही है, लेकिन क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा पत्नी को चली जा, मार दूंगा तुझे, मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा, क्योंकि चुनावा था, गुण था उसके अंदर, पवित्रता ही में चलने की आदत थी, उस बीमारी में भी सहन कर रहा था। आज किसी को बुखार हो जाता है तो उसी समय गिलास है किसी उठा के फेंकते हैं घर में, ले प्रार्थना की तकरा बुखार नहीं उतर रहा। लेकिन अय्यूब कह रहा था परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई पहले दिन शुरू किया था, मैंने गांव में 10 लोगों को इकट्ठा किया, मौसी के गांव में, और इकट्ठा करके बोला आज मैं प्रचार करने के लिए आऊंगा, ये दिन है और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप आना, प्रार्थना करूंगा आपके जो काम है। बस ऐसी टल्ले मार के आया था, मैंने कहा क्या बीमारी तेरे को? ये मैंने कहा आ जा चर्च में, ठीक हो जाएगी तू, अच्छा आ जा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और भाई साहब क्या हुआ, जिस दिन संडे था प्रचार करने जाना था, वो बच्चों को हो जाते हैं ना, वो मुझे बड़ी उम्र में हो गए, इतने बड़े बड़े फोड़े वो छाले निकल गए सारे मुंह पे, फिर शरीर पे। मैंने कहा ये क्या, शनिवार को निकल गई, इतवार को, मैंने कहा ये क्या, मुंह लेके जाऊं? मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा आज तो प्रचार कैंसिल गया ही नहीं संडे। मैंने कहा परमेश्वर, उसकी भविष्यवाणी मुझे याद आ रही थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, प्रार्थना करेगा लोग ठीक होंगे। मैंने कहा ये क्या, ये तो मैं ही ठीक नहीं हो रहा, मैं ही बीमार पड़ गया। मैंने कहा ये क्या, और उसी समय मैं एक संडे खूब रोया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा लगता है तूने मुझे छोड़ दिया है, कोई गलती होगी मुझसे? लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि मैं तेरे को एक बात बोल रहा हूं, मैं तेरी मेहनत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर गुण को देखना चाहता हूं, हालेलुया, मैं तेरी चाहत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को देखना चाहता हूं, मैं तेरी मेहनत को, तेरी ईमानदारी को। कह रहा अब तू क्या करेगा? कह रहा मैं देखना चाहता हूं कि तू इस समस्या पड़ने के बाद क्या करेगा, करा मेरे नाम को बदनाम करेगा या मुझे छोड़कर भाग जाएगा। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैंने कहा एक दिन तेरा प्लान जरूर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया में मेरे पास चर्च है यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, और 23 नवंबर को देखना आप लोग धड़ाधड़ कैसे खड़े होकर जाएंगे, चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर करता है, यहोवा किन के लिए? पहली रात को नहीं करने वाला, अरे पहली रात को नहीं करने वाला, पहले दिन नहीं करने वाला, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। बोलता है कह रहा है क्या, अय्यूब को कहा, कह रहा है तेरी बीमारी में, तेरी लाचारी में भी मैं तेरे साथ था, तेरी गरीबी में भी मैं तेरे साथ था, तेरी बीमारी में भी मैं साथ था, लेकिन मैं देख रहा था, मैं तो इसलिए नहीं बोला, मैं देख रहा तेरे समर्पण को, मैं देख रहा तेरे अर्पण को। आज परमेश्वर के लोग जब उनके काम नहीं बनते, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके जॉब नहीं लगती, वो भाग जाते हैं, समय बेकार हो जाता है, लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, वो आपके आसपास है। जब आप बीमार थे तब भी वो आपके साथ था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब भी आपके साथ था, लेकिन आज तक चुप क्यों था? क्योंकि उसका प्लान आपके जीवन में कोई बड़ा होने वाला है, वो देख रहा है आपको। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो देख रहा है, तुझे बड़ा आदमी बनाएगा, उसका प्लान तेरे जीवन में पूरा होगा, आपको बस विश्वास करना है। हम देखते हैं मत्ती की किताब में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे मत्ती की किताब और उसका 21 का 19 क्या लिखा। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें से कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अरे यीशु मसीह पेड़ के पास गया, क्या देख रहा था? उसकी पेड़ की टहनियां नहीं देख रहा था, उसकी मजबूती नहीं देख रहा था, उसकी जड़ें देखने के लिए नहीं गया। अरे पत्ते कितने सुंदर है ये देखने के लिए नहीं गया, ये देखने के लिए गया इस पेड़ के पास फल है कि नहीं। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपके घर पर आए, तो परमेश्वर आपके पास आकर ये नहीं देखेगा आपने बहुत महंगे मोबाइल है आपके पास, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हो आप, बहुत कुछ है आपका स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं आएगा परमेश्वर।
ये ना सोचो कि आप काले हो, आपके बाल अच्छे नहीं है, आपकी नाक अच्छी नहीं है, आपका कान अच्छा नहीं है, आप काम बोलने में अच्छे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास नहीं कह रहा कि परमेश्वर, तो कह रहा कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊंगा जिनके अंदर मिठास होगी परमेश्वर की, जिनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होंगे। कह रहा संयम, धीरज, कृपा, भलाई, कह रहा कि दया, कह रहा अलग अलग प्रकार के 9 प्रकार के फल। गलातियों की 5:21 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, ये फल कह रहा जिसके पास होंगे, कह रहा कि उसके पेड़ पर फल नहीं, कह रहा कि बहुत सारी आशीषें लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा था। यूसुफ के जीवन से जब हम देखते हैं तो बाइबल बताती है यूसुफ के बारे में, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं 41:43 में जेनेसिस चैप्टर में, तो यहाँ पर यूसुफ के लाइफ में एक भविष्यवाणी हुई, उसको कहा कि तू एक दिन स्टार बनेगा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। जब भविष्यवाणी हुआ उसके बाद उसके भाई उससे जलने लगे, उसकी प्रॉब्लम उस दिन से स्टार्ट हो गई, और उसके बाद उसको झूठे केस में डाल दिया गया, और उसके बाद जब वो जेल में चला गया, जेल में जाने के बाद वहां पर बैठा महसूस कर रहा है उस भविष्यवाणी को, और कह रहा है परमेश्वर क्या वो दिन आएगा कि नहीं आएगा जब तूने मुझे 11 तारे दिखाए थे। लेकिन वो सोच रहा था पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। यूसुफ नहीं जानता था कि एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर ने राजा से बात किया, और उसके बाद कह रहा है एक ही दिन में उसकी दाढ़ी काटी गई, एक ही दिन में उसके बाल काटे गए, एक ही दिन में उसको नए कपड़े पहनाए गए, एक ही दिन में, क्योंकि यूसुफ नहीं जानता था, क्योंकि वहां से जेल से महल का सफर एक दिन का था, और एक ही दिन में जेल से उठाकर कह रहा महल में पहुंचा दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अचानक सडनली आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कह रहा एक दिन, कह रहा एक ही दिन में आपका बच्चा कहीं से कहीं पहुंचने वाला है। आमीन। यूसुफ ने करा उस समय में कहा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि बाइबल बोलती है यूसुफ के साथ था परमेश्वर, और उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। कहता उसका कोई बड़ा प्लान है। लोग बोलते थे कि तुझे ड्रीम आते हैं, तू भविष्यवाणी करता है, फिर भी जेल में है, तेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, तू तो लोगों की प्रॉब्लम दूर करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, फिर भी तेरे तू जेल में क्यों है। ताने मारते हैं लोग आज आपको कि आप प्रभु में हो, आपके घर में अब तक शांति क्यों नहीं है। लेकिन यूसुफ ने कहा करा के सुने, करा एक दिन यहोवा का प्लान मेरे लिए बहुत जल्दी एक दिन पूरा होगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों से, आप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे, अपने आप को छोटा नहीं समझना। अगर लोग आप पर ताने मार रहे हैं, लोग आपके विचार आपको घायल कर रहे हैं रोज, आपको कह रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, बस अपनी जुबान से ये बात निकालनी है, एक दिन परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ करेगा। हालेलुया, उसका प्लान मेरे जीवन से पूरा होगा। आप चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको नाम लेकर बुलाया है। आज रात मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए पूरी होने के लिए जा रही है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरी बुलाहट मेरे जीवन में पूरी होने पाए, तेरी कॉलिंग को मैं जानना चाहता हूँ। आज जो लोग कॉलिंग नहीं है जिनकी, उनको पता नहीं है और इसलिए वो ठुकराए जाते हैं और गिर जाते हैं। कॉलिंग पूछना है आज परमेश्वर से, आज परमेश्वर कहो परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है, क्या तू मुझे जॉब लेना चाहता है, क्या बनाना चाहता है। एक मिट्टी का कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन को लेकर बनाता है वो क्या करता है, वो इसलिए करता है कहना कि ताकि कुम्हार को पता है कि मैंने क्या आकार देना है। आज आपको कहना है परमेश्वर जैसा तू बनाना चाहता है वैसा बना दे, आज जो प्लान तेरे अंदर चल रहा है मेरे लिए पूरा कर दे आज, क्योंकि परमेश्वर का प्लान कभी छोटा नहीं होता। दोस्तों परमेश्वर का प्लान ये नहीं होगा कि आपको एक दुकान देकर बस कर देगा, आपको बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का एक प्लान नहीं आपके लिए, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है आपके लिए। आपको कुछ कराना चाहता है, लेकिन आपके अंदर वो गुण देखना चाहता है, वो आप क्योंकि आप चुने हुए हो और किसी को नहीं पुकार रहा है, आपको पुकार रहा है। आपने दुख उठाया है, आपने विश्वास किया है यीशु की कुर्बानी पर, आपने नाम धराई को सहा है, आपने ताने सहे है, आप सताए गए है, लेकिन आप छोड़े और त्यागे नहीं गए है। आज रात मेरा परमेश्वर आपको अपना प्लान बताने वाला है आपके ड्रीम में। आज रात आपको एक ड्रीम आएगा, आपका प्लान आपको सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में आएगा। आज याद रखना, जो परमेश्वर के प्लान से भागते हैं वो अपनी जिंदगी में बेकार हो जाते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्लान हो,
तो याद रखना परमेश्वर ने जो ठान रखा है मेरे लिए, अगर आप जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं क्या ठान रखा उसने मेरे लिए, पूछना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करना, आपको जाकर किसी को जानते हो नहीं जानते हो, खुशखबरी का प्रचार, क्रिसमस का, अपने चर्च का, ईमानदारी का करे, यहां से लेकर पर्चे बांटते चले जाना। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन ऐसा करोगे एक महीने के अंदर आंसर आ जाएगा। आमीन। याद रखना परमेश्वर बता देगा मैं तेरे बच्चों से क्या चाहता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगियों में क्या चाहता हूं, क्योंकि वो फल चाहता है पहले आपसे, फिर आपको फल देना चाहता है। पहले चाहता है सुसमाचार सुनाना कि तूने मेरे लिए फल लेकर आया कि नहीं आया। अगर आपने करा फल नहीं लेकर आए तो परमेश्वर कहता है कि बाइबल बोलती है कि उस पेड़ का टहना नहीं, पूरी जड़ की जड़ उखाड़ दी जाएगी यीशु के नाम में। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करना चाहता है, हाथों को उठाओ, बीज को नहीं पता होता। कितने लोग जानते हैं बीज के बारे में, बीज जब धरती के अंदर होता है और उसी समय उसके ऊपर से लोग भी चल रहे होते हैं, बीज करा होता है, इतना गर्मी में क्या कर रहा, रात को भी चल रहा मेरे सिर पे, दिन में भी चल रहा, रात को भी चल रहा, लेकिन बीज को नहीं पता कि एक दिन वो कौन सा पेड़ बनकर बाहर आने वाला है। आमीन। आपको नहीं पता आप कौन सा पेड़ बनने वाले हो, आमीन, कौन सा फ्रूट बनने वाले हो। और बाइबल बोलती है, बताती है इस बात के लिए, कह रहे कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। कह रहा जिस इनकी लड़की आई बोली कि पापा मैं जब भी सुसमाचार सुनाती मेरे घर दे मेरा मजाक उड़ाते। मैं कह जिस पेड़ पर फ्रूट होते हैं फल होते हैं उसी पर पत्थर मारते हैं लोग। हालेलुया। इसका मतलब शैतान ने, तेरे परिवार ने, हर व्यक्ति ने तुम्हारे अंदर फल देख लिया है, तुम्हारे अंदर कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर सुसमाचार सुनाने का फल है, याद रखना परमेश्वर ने ठान लिया है आज रात पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती परमेश्वर के प्लान को आपकी जिंदगी में आने से। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर माई लाइफ। हालेलुया। आज कहूं परमेश्वर कि मेरी लाइफ में जो तूने सोचा है वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपनी आशीष को लेकर जाऊंगा, जो तू मुझे बनाना चाहता बना दे आज। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर आज रात इनकी किस्मत खोल दे परमेश्वर। आज रात एक बड़ा छुटकारा हो जाए इनका। आमें। बड़ी आशीष को देखने पाए। आमें। बड़ी आशीषें रिलीज करता हूं आज पवित्र आत्मा। ये घर में नहीं बाहर नहीं, पवित्र आत्मा जी जो लोग आज हाथ उठाकर तेरे दास की आवाज को सुने है, पवित्र आत्मा आज परमेश्वर मेरे अंदर से जो तूने बातें की इनसे आज वचन के द्वारा बातें की है मेरे पिता परमेश्वर, एक एक के घर में पवित्र आत्मा से फल आने पाए, फल आने पाए, फल आने पाए, इनकी बढ़ोतरियां होने पाए। वो तुम्हें पढ़ाएगा आपसे। आमीन। क्लेम करता हूँ, कन्फेस करो, वो तुम्हें पढ़ाएगा। तुम आशीषित होगे इस साल में, तुम्हारी नौकरियां लगेगी, तुम मकान बनाओगे, तुम अपने घर में जाओगे, तुम बड़े बड़े आशीष को देखोगे, आशीष का कारण ठहरोगे, तुम्हारे हाथ लोगों के लिए आशीष के लिए ठहरेंगे, तुम दूसरों के लिए शांति का कारण ठहरोगे, तुम ब्लेसिंग को देखोगे, तुम्हारा चरवाहा तुम्हारी कोई हानि नहीं होने देगा। आमीन। अपने हाथों को उठाकर कहूं कि मेरी कोई घटी नहीं होगी, यहोवा के ढरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय ऑनलाइन बैठे और परमेश्वर सुन रहे हैं, मैं इसी समय एंजल को भेजता हूँ। जाओ एंजल, जिन्होंने वचन को सुना, इनकी समझ में आया कि मैं चुनावा हूं और चुनावा पाप नहीं करता। चुनेवे के अंदर गुण होते हैं और वो गुण परमेश्वर के अगर इनके अंदर दिखाई दें, पवित्र आत्मा जो तूने इनके जीवन में प्लान सोचा है कहीं बढ़कर परमेश्वर इन्हें आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो आशीष इनके ऊपर लग जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीष लग जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को यहां पर, आप ऐसे ही सोच रहे होंगे लेकिन मैं अभी नाम लेकर बोल रहा हूं आपके लिए। जैसे डी से आर एन एस पी और बी जी और जे और के, आप एक बड़ा प्लान अपने जीवन में सक्सेसफुल होता है। हालेलुया। बैठ जाएं, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएं बैठकर। हालेलुया। एक बड़ा प्लान आपके जीवन में स्टार्ट है। Yes. लेकिन कुछ भी हो आपको सिर्फ यही कहना है परमेश्वर तेरा प्लान है मेरे जीवन से। Yes. है कि नहीं? आपने लकड़ी सुना, लकड़ी, सॉरी लड़की, नहीं नहीं लकड़ी, हाँ लकड़ी सुना, लकड़ी, लकड़ी कितनी महंगी होती है, लकड़ी, एक लकड़ी महंगी होती है,
जो आपके घर के बाहर है लक्कड़, वो कितनी सस्ती होती है, और एक लक्कड़ है वो बहुत महंगी होती है। कौन सी होती है वो? सांगवान। सांगवान सपना अपने घर में साग बना ले सागवान का। सैंडल। सुन रहे हो? कौन सी? चंदन। सैंडल। जोर से बोलो चंदन। चंदन। समझ में आया? अभी मुझे स्वर दूध कहीं लेकर जा रहे हैं। देखो मैं कैसे जा रहा हूं। टैन टैन। अबे चुप कर, फिल्म की शूटिंग थोड़ी चल रही, तेरे को थोड़ी बोला टैन टैन कर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अलग अलग तरीके से परमेश्वर आशीर्वाद देता है। सुन रहे हो? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आशीर्वाद दूं? ये मैं कुर्सी वाले लोगों के पास इसलिए आता हूं, ज्यादातर लड़कियों बैठे रहो वहीं पर, नहीं तो वो स्टैचू वाला पीछे पड़ जाएगा। बैठ जाओ। सारे बोले हालेलुया। वहीं से कर दे, वहीं से लड़की, वहीं से कर दे। हाँ क्या? सुनो 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 सुनो, आ जा फटाफट। कैमरामैन इधर आ, उड़ के सुनो। देखो मैं जहां जाकर खड़ा हो गया हूं, क्या हो रहा वहां पर? सुन रहे हो? आपको सामने बात तो कर रहे हैं, तेरे को आशीष मिलनी है। चुप कर, चुप कर, ए पीछे कर माइक। सारे बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है मैंने क्या कहा। चंदन की लकड़ी सबसे महंगी होती है। ये लड़के खड़ा हो जा, खड़ा तो हो जा, खड़ा तो हो जा। चू चू चूटी चूटी की है, की है, की लाया? पादरी आया तेरे घर की? पादरी आया नहीं, चू चा ची पहले शुरू करती। सुनो बेटे, हाँ माइक करो। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो हालेलुया। रुक जाए लड़की, क्या नाम है? जोर से बोल माइक। हाँ तोड़ दे। चंदन। क्या नाम है? चंदन। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। चंदन है सबसे महंगी चंदन, और इसी को पकड़ रखा है। देखा ना, हम ऐसे नहीं बुलाए जाते, हम अपनी मर्जी से नहीं भविष्यवाणी करते। मैं कुर्सी वालों के पास इसलिए आता हूं क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। सारे बोलो हाले, कुर्सी इसलिए देते ना इनको। बोलो हाले, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटोगे। सुनो चंदन, देखो चंदन को पकड़ रखा है क्योंकि महंगी है ना ये। आपको विश्वास करना है, मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आपके साथ मिराइकल पर मिराइकल होने स्टार्ट होंगे। आमेन। चंदन, चंदन देखो तेरे अंदर वो चीजें छोड़ी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर का एक प्लान है तेरे जीवन से। आज से परमेश्वर का प्लान तेरे जीवन से पूरा होगा। तू मोहल्ले मोहल्ले में प्रचार करता फिरेगा, मोहल्ले मोहल्ले में गवाहियां देती सुनेगा, सुनाई देगा। तू मोहल्ले में गवाही देगा, सुनो मोहल्ले में गवाही देगा कि परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। बिजली की तारी पकड़ ली थी मैंने आज। सुनो सारे बोलो हालेलुया। ओ रब तू बचा लिया, नहीं तो कहीं लोग पता कहते हैं ओ परमेश्वर एक ही किता तू। हर बात में परमेश्वर को दोष देते हैं, तेरे बारे में बोल रहा हूं, हर बात में। ये तेरी घरवाली है, है? और तो चुप कर, बांदर साहब पीछे बोली जा रहा। सुनने नहीं कोई बात, सुनो। हाँ देखो शादी हो गया आपका, तभी आपकी पत्नी है। हाँ तो सुनो, ऐसे जोर से बाल लगाओ मेरे पीछे ऐसे। आंचल, आंचल जोर से बोलना। आंचल कहाँ पे है? हालेलुया। 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 अरे तीन बार से बोलो हा हा हा। बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि मैंने ठान लिया है दाऊद, मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा और तू आनंद से खाने पाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज जाके मेज बिछाएंगे अपने मोहल्ले में? रात को 1:30 बजे हम मेज बिछाएंगे और तीन बार हंस के आहा, चुपचाप अंदर आ जाना।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को पूरा करके देखो, तुम्हारे पड़ोस में तुम आनंद करने पाओगे यीशु मसीह के नाम। समझ गया? जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, आपको ऑपरेशन कराना चाहती हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं, काम पर जाना नहीं देना चाहती और प्रॉब्लम कर रही हैं, आपके टांग और आपके पेट का हिस्सा खराब करना चाहती हैं, आई एम राइट? सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी सब कुछ होगा, लेकिन वो चीजों ने पहले आपको पकड़ा, फिर आपकी पत्नी को पकड़ा, और बच्चे छोड़ दो। और बच्चा जैसे कोई चलने में बोलने में प्रॉब्लम, सही कह रहा हूँ? छोड़ दो उसको। सारे बोले हालेलुया। खड़ी हो जा, आंचल मंचली खड़ी हो जा, फटाफट पकड़ा दो, किसी को पकड़ा दो, कोई गोद नहीं लो। आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं लगती। हाँ, कोई बात नहीं बेटे, जिस दिन तुम्हारा शादी हुआ उस दिन किसी ने तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, जब तुमने हाथ पकड़ा किसी, कोई सगन डाल के चला गया खून लगा के नोट पर, इसलिए सगन भी हम लेते नहीं किसी से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ हम दान लेते हैं। हालेलुया। विश्वास करना है, सुन रही आंचल? आज के बाद तेरा पति और तू ठीक होंगे, बच्चा ठीक होगा, परिवार ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुक्के नहीं मार रहा हूँ, होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा हूँ। आपको आशीष दे रहा है मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे रहा है। किसी सोनिया के लिए प्रार्थना, तेरे को सोनू और तू, सोनू और तू सोनिया के लिए कौन है? वो मेरा, मेरे साथ काम करता है सोनू। हाँ, तेरे साथ काम करता है, और मैं कौन करूंगा तेरे साथ? सोनू काम करता है, लेकिन तेरे साथ यीशु बात करता है। समझ गया? Yes. कह रहा है, विश्वास कर रहा है। पर मैं कह रहा है, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो हर संडे मैंने कहा था मिस नहीं करेगा, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा प्लान पूरा करने वाला है दिसंबर के अंदर। वो चश्मे वाली आंटी तेरे साथ प्लान होने वाला परमेश्वर का। बोला भैया, हाँ मेरे हाथ की तरफ देखो, और वो उसी समय वो निकल रहे हैं, वो जादू टोने के शराब जो खाए पिलाए आंख बंद कर, और उसी समय निकल जाए वो। दोनों से उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, चलो मुंह खोलो, चिल्लाओ और निकल जाओ। आ गए, आ गए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चलो, इनके गूंगे बच्चे आजाद हो जाए, पाहिज बच्चे आजाद हो जाए, बच्चे मारने वाली आत्मा जाए, शराब टूट जाए कानों के ऊपर से, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। कहां गई? फ्री, जोर से ताड़ी बजाए यीशु मसीह के लिए। सारे बोले हालेलुया। सुनो, मैं से देख रहा हूं, जिस जिसके नाम बोल रहा हूं मैं, उनके पास बच्चा नहीं है। होली स्पिरिट ने मुझे कहा बच्चा देने जा रहा हूं, क्योंकि जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, रेखा बेटा होगा, सपना बेटा होगा, ममता बेटा होगा, जीवन बेटा होगा, अंजलि बेटा होगा, सुखप्रीत बेटा होगा। सुखप्रीत कोई है? कोई सुखप्रीत? सुखप्रीत, हाँ, कम हियर, बेटा होगा। मैं देख रहा हूँ ज्योति बेटा होगा। होली स्पिरिट बातें कर रहा है। हाँ ज्योति जो है, खड़ी हो जाओ। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको बेटा देगा इसी समय। हाँ हाँ, अबाला बाशा बाला बाबाला बाशा बाला बाबाला बाशा बाला बा। हाँ, माइक 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 माइक। राजा रबा सना यो दे 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 दे। सुनो, बेटा होगा बेटा। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? सुखप्रीत। सुखप्रीत, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बेटे की आशीष मिलेगा। पवित्र आत्मा काम कर रहा है, जिसके नाम कह रहे ANRSGMBVX। एल से, सुन रहे हो, आर से है, घर बनाने के लिए जा रहे हैं वो। आप विश्वास करें, ठीक है, नहीं तो वो सारे घर मेरे हो जाएं। सारे बोला हालेलुया। आपके घरों पर मेरा कब्जा हो जाए आज रात। बोलो आमीन। मेरे यीशु का कब्जा हो जाए आज रात। आपका घर आपकी आत्मा है, समझ रहे हैं? यीशु आपकी आत्मा पर कब्जा चाहता है। परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है, परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। हाँ, सुखप्रीत, सुखप्रीत, और ऐसे ही एक अमनप्रीत, और ऐसे सुख, और किसका नाम है सुख से, सुख 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 सुख, मेरे कजन ब्रदर का नाम था, उनकी डेथ हो गई है। सुनो,
जो डेथ हो गई है वो प्रॉब्लम थी, वो ब्लैक मैजिक आपके पीछे था, वो आपको मरे में लोग दिखाई देते हैं, बच्चा नहीं होता, आपके पेट में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा घूमता है, गले में प्रॉब्लम रहती है, आपको आपको ऐसा लगता है मुझे मेरे कोई कपड़े खींच रहा रात को, तो आवाजें सुनती है छन 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 छन, ऐसा लगता है चल रहा है, दरवाजा खटखटकता है, पति को बोलते कोई है, बैठे रहो दो मिनट, और उसी समय परमेश्वर का आत्मा आज से कह रहा है, कहता मैं तेरे रोने विलाप करने के दिन समाप्त कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, बेटे का आशीर्वाद दे रहा है यीशु के नाम में, ऐसे नहीं है, छोटी बात नहीं है, एक गिलास है टूट जाता है ठच ठच, गिलास के बर्तन टूटते हैं, गिलास का बिजनेस करता है कोई, बिजनेस करते हैं आप किस गिलास का, कोई कौन से गिलास का, टफन ग्लास का, टफन ग्लास का, मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी समय वो ग्लास जो आप बिजनेस करते हैं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि पैसा आ रहा है हाँ जी, लेकिन ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, आज के बाद मैं परमेश्वर के प्लान को पूरा होता देख रहा हूँ आपके जीवन में, यीशु के नाम में आप बहुत अमीर आदमी बनने वाले हैं, आपसे परमेश्वर एक नए घर, नई गाड़ी और एक बच्चे के साथ इसको ब्लेस करेगा, तीनों चीजें एक साथ होंगी, तीनों चीजें एक साथ होंगी, आशीर्वाद दे रहा हूँ इसको यीशु के नाम में, बच्चा हो जाए बहुत, अब होने देगी, गरीब करना ले फिर आज अमीर हो जाए यीशु के नाम में, आशीर्वाद देता बहुत बोल बोल हूँ, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है, चिपक जाए आज इसके मुंह पर आज, ये ले, जब तक भविष्यवाणी पूरी ना हो तब तक स्वर्गदूत तेरे साथ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, सुन रहे हैं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई हाथों को उठाओ, जो भविष्यवाणी चाहते हैं, जो हम मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है 21 दिन दूत आपके साथ रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, को खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े कामों को लाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जहां फ्लॉप थे आप फिर से आशीष को देखोगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे, जहां आपकी पत्नी आपके बच्चे को प्रॉब्लम है बीमारी की आजाद हो जाएगा वो इस हफ्ते में, सुन लड़की सुन, बांध दे रहा हूं मैं तुझे यीशु के नाम में, अब बच्चा होगा इसको, सुन रही है बोल बोल, देख इधर कौन खड़ा है, बंधन टूटते तेरे लगे ना, कैदी छूटते तेरे लगे ना, बंधन टूटते तेरे लगे ना, कैदी छूटते तेरे लगे ना, अभी देता है रे हम सारे सुखा कर, देता है रे हम सारे सुखा कर, देता है रे हम सारे सुखा, सुनो जिसके पास बच्चा नहीं है, इसी समय अपने हाथों को उठाना, और वॉलंटियर बीच में आएंगे, आपको मिट्टी और ऑयल देंगे, अभी इसी समय सब लेकर जाना, मैंने प्रार्थना करके रखा है, फटाफट लेकर आओ कटोरा, शाबाश जल्दी जल्दी से अपने रुमाल को घुमाओ, शाबाश रुमाल निकालो, एक बड़ी आशीष आपके जीवन में आ रही है, रुमाल घुमाओ, शाबाश घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अबा लबा, और इसी समय गेट खोल दे, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग आजाद हो रहे, आने दे, निकल आओ, एक गंदी स्पिरिट बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चीखते हुए चिल्लाते हुए निकलो, खड़ा बाहर, इसी समय शरापित करता हूँ उन हड्डियों को जो इस समय करा शैतान ने पकड़ी हुई है, मैं वो शैतान की हड्डियां इसी समय शरापित हो जाएं और आपकी हड्डियों को छोड़ दे, इसी समय आपकी हड्डियों को आशीषित करता हूँ यीशु के नाम में, आपकी नसों को ब्लेस करता हूँ, आज जादू टोने से छुड़ा लेता हूँ, इसी समय आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मसा, मसा यीशु का, बंधन टूटते तेरे लगे ना, कैदी छूटते तेरे लगे ना, बंधन टूटते तेरे लगे ना, कैदी छूटते तेरे लगे ना, कर देता हरे हम सारे सुखा, कर देता हरे हम सारे सुखा, कर देता हरे हम
मेरे यीशु का मजा मजा यीशु का मेरे यीशु का मजा यीशु का मेरे यीशु का मजा मजा यीशु का। जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम नहीं है राइट साइड खड़े हो जाओ, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो राइट साइड चले जाओ, इधर मत खड़े हो, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो लेफ्ट साइड हट जाओ, राइट लेफ्ट हो जाओ, बस बंद कर दे, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, चलो उसी समय वो काया पिराया बाहर, वो झुंड का झुंड निकले निकले बाहर, अपने हाथों को उठाओ, देखो हाथों को उठाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, जल्दी आगे आ जाओ, जिसको प्रॉब्लम है दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, बस ए थैले वाली पीछे रहे, इसी समय फटाफट हाथ उठाओ, शाबाश, हाथ उठाओ शाबाश, बाकी पीछे रहो, अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, हाथों को उठाओ, ऊंचा करो हाथ, शाबाश। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी आज। बोलो यीशु, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे ऊपर दया कर। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज हीलिंग हो रही है, मैं कह रहा हूं कोई लंगड़ा चंगा और आज पथरियां चाहे रसोलियां चाहे, जिसको चंगाई चाहिए जोर से उछल कर बोलो आमीन। सुनो मैं कह रहा हूं कि आज इसी समय मैं बोल रहा हूं रसोलियां बाहर जाए, ऐसा नहीं होगी चंगाई कंजूस कहीं के मक्खी चूस, उछल कर जोर से बोलो आमीन। एक एक करके बोल रहा हूं मैं, पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, गरीबी के शराब टूट जाए, दुष्ट आत्माओं के काले जादू बंधन टूट जाए, आज से आपका घराना आजाद हो जाए, आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपके बच्चे ग्रोथ करे, आपके दिमाग खुल जाए, पागल बच्चे आजाद हो जाए, कोमा में से बाहर आ जाओ, यीशु के नाम में चिट्टा मोती आ जाए, काला मोती आ जाए, पथरियां रसोलियां गूंगे पहरे हील करते हो, रू की अग्नि दे 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 दे। अपने हाथों को उठाओ, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, फटाफट फिर से जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, बाकी पीछे रहो, वॉलंटियर पीछे रहो, और इसी समय हाथ पकड़े दूसरे का जल्दी से, और देखो परमेश्वर का सामर्थ्य आपको छुएगा और आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आदमी हाथ पकड़ लो, शाबाश, और इसी समय जोर से बोलना है यीशु एक, अभी रुमाल घुमाओ, देखो जो काम आप नहीं कर सकते करके देखो, अभी कोई व्हीलचेयर से खड़ा हुआ है, अभी किसी का डंडा छूटा है, अभी किसी का सर्वाइकल गायब हुआ है, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा होली गोस्ट बातें कर रहा है आपसे, पवित्र आत्मा वो कह रहा है किसी की आंख चंगी हो गई आज, कोई बहरा सुनने लगा है, गुंगा बोलने लगा है, आवाज आ रही है मुझे साथ और आप, ये परमेश्वर का सामर्थ है जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांचों में, आप बीमारी से आजाद हो जाओ फ्री। सुनो हाथों को उठाओ, शाबाश, एक जोर से बोलो, दो, तीन, ये देखो आ गया यीशु, साफ आया, अपने पेट पे हाथ रख लो, उठेगा नहीं कोई, अपने पेट पर हाथ रखो, जहाँ से खिलाया पिलाया पेट से सारी बीमारियां शुरू होती हैं, आपके पेट से वो शैतान का जाला टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए। और ऊपर देखो स्वर्गदूत दिखाई दे रहे, देखो ऊपर चिल्लाओ जोर से, निकलो फायर, मेरे यीशु का मजा मजा यीशु का, ओ मेरे यीशु का मजा मजा यीशु का, फ्री हो जाओ आज से, आप बंधन से आजाद हो गए हैं, उछलो, खड़े होकर उछलो, बोलो यीशु मसीह की, उछलो जोर से, सुनो इधर कर, आज देखो मैंने क्या कहा था, मिट्टी और ऑयल वाली प्रेयर है, जा फटाफट पास से अंदर लेकर जाओ, अंदर जा दौड़ के जाओ, पीछे इधर नहीं, अभी रुको दो मिनट, बुलाया नहीं मैंने आगे, वहां जाओ, वहां पर जो बीमार है उनके पास जाओ फटाफट, व्हील चेयर पर है, स्टैंड पर है फटाफट, और ले हैंड वालों की लाइन लगा, बाकी पिछड़ जाओ फटाफट, शाबाश, जल्दी 5 मिनट में मैं कह रहा हूँ, चेक करो बेटे, चेक करो, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, इधर हो जाओ बेटे, इधर हो जाओ, बाद में बुलाएंगे, अभी इधर हो जाओ, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो आज, अभी कोई हीलिंग हुई है,
गवाहियों के साथ लेफ्ट राइट खड़े रखो, शाबाश। जिसको अभी बैठ कर देखो, हाथ घुमा कर देखो, चश्मा उतार कर देखो, जहां सिस्टम से आप बीमार थे चेक करो, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आप चंगे हुए हैं, बोलो हालेलुया। अभी इसी समय वो मिट्टी और वो ऑयल मैं लगा रहा हूँ आज आपके ऊपर, परमेश्वर का आत्मा छुए, आपको बरकत है यीशु मसीह के नाम में, आप आजाद हो जाओ। इसी समय गुड न्यूज आए, परमेश्वर का आत्मा छुए, 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 अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। रुक जा वहीं पर, इसी समय छुए, इसी समय छुए, परमेश्वर का आत्मा छुए। खोलो जरा माइक कर, क्या कब से दो साल से, दो साल से पैरों से चला नहीं जाता, बिल्कुल भी पैरों से चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता। आज विश्वास कर रहा है, विश्वास कर रहा है। खोलो इस बेल्ट को, खोल बड़े, ये पट्टियाँ किस लिए बांधी हैं? वाइपर, डाइपर, पेट खराब रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यीशु के नाम में आज से इसकी सूखी नसें, क्या कर रहा है नीचे दिखा, पेट की सूखी नसें चंगी हो जाए यीशु के नाम में। कब से नहीं चल पाते, कब से नहीं चल पाते? दो साल हो गए, दो साल हो गए, कह रहे कि दो साल से चल नहीं पाता, आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर छुए तुझे। और उसी समय अबालाबा कुछ टेढ़ा होके कोशिश करो, टेढ़ा होके शाबाश कोशिश करो, कैमरा दिखा, मुंह दिखा इसका, शाबाश कैमरे कर, हाँ शाबाश, बस यू आर ही, टांगे उठाओ, शाबाश उठाओ, फ्री हो जाए, इसकी टांगे काम करने लगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, हाथ पैर काम करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, इसको छू और चंगा कर, बाहर आ जा, छोड़ दे इसके शरीर, बाहर आओ, बाहर आओ, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, हाथ पैरों को छोड़ दे इसके, तूने जकड़ा इसको, हैं, तूने पकड़ा इसको, इसके टांग, इसके बांह, इसका पैर, आप देख रहे हैं कि इसको, इसने डाइपर बांधे हैं अपने शरीर में, पाइप लगे हुए हैं, बेल्टें लगी हुई हैं, दो साल से बिस्तर पर है, बेड पर लेकर आए, चलता नहीं है, और शैतान से जकड़ा हुआ है। मैं इसी समय आदेश, जोर से बोल, नहीं छोड़ूंगा, है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं, आज यीशु मसीह से आजाद कराएगा, ये चलेगा, तू नहीं चलने दे रहा इसको, तूने पकड़ा कितने साल से? दो साल से। तूने पकड़ा, कौन है तू, कौन है तू? मैं इसका मामा है, मैं इसका मामा, इसका मामा, चल फिर इसका पापा आ गया यीशु मसीह, चल मामा को भगाने के लिए चलो, फ्री, हालेलुया, आउट यीशु के नाम में, बाहर आओ, चल आउट, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, चल बाहर, चल बाहर, भाई कुछ अटक गया है, गया, जाएगा, जाऊंगा, जाएगा, जाऊंगा, छोड़ेगा इसके हाथ पैर, आराम से, के नाम में, आमीन। आंखें खोलो, शाबाश, आंखें खोल बेटे, स्टैंड अप, देखो चमत्कार हुआ अभी, शाबाश, जोर लगा, पूरा रख स्क्रीन पे, जोर लगा, शाबाश, चलो, यस, चलो, चलो, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, हटा यीशु की भूख बिटिया, दौड़ेंगे हटा यीशु की भूख बिटिया, आप सुन रहे हैं कौन है ये, परमेश्वर है कि नहीं? देख रहे हैं, खड़ा नहीं हो रहा था, चिल्ला रहा था, शैतान इसके अंदर से बोल रहा था ठीक नहीं होने दूंगा, मैंने क्या कहा, यीशु मसीह ने ठान लिया आज, ऐसे नहीं यहाँ पर आकर भाई साहब प्रभु की महिमा कर रहा, ये पवित्र आत्मा है, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में,
अपने हाथों को उठाओ Hello. और जिसे मैं कैमरा करो उधर चेक करो इधर देख मेरी तरफ देख मेरी तरफ देख लड़के बेड पर लेटे हुए लड़के मेरी तरफ देख मेरे हाथ की तरफ देख शाबाश मेरे हाथ की तरफ देख उधर दिखा शाबाश और इसी समय यू आर हील स्टैंड अप आपका पेट आपकी किडनियां आपका लीवर आपका हार्ट आपकी कमर आपकी आंखें चंगी हो जाए आपके पैर चंगे हो जाए खड़े हो जाओ उठ जा खड़ा हो जा यीशु मसीह के नाम में चलो 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 शाबाश यू आर हील जोर से बोलो दौड़ेंगे दौड़ेंगे भी दौड़ेंगे 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 देखो इसका हाथ देखो हाथ फंस के इसके हाथों पे कितनी गांठें हैं देखो 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 कितनी गांठें हैं बेटे ये सारी दिखा हाथ हाँ कितनी हो रही हैं ये 10-12 कितनी होगी हैं सब की सब चंगी होने के लिए जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और चीज़ में व्हील चेयर वाले चेक करो रुमाल घुमाओ शाबाश गवाही के साथ हालेलुया प्रॉफिट जी 2 साल से इस बैंड की गाल पर गांठ थी अभी रुमाल घुमाया चेक किया गांठ है तू हवा के उड़ चुकी है सुनो इसी समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं ध्यान से सुनो पास्टर निर्मल यूके में जो सुन रही है परमेश्वर उसको आशीष दे इनके सिर पे हाथ रख गुड न्यूज आए पवित्र आत्मा इंग्लैंड में आए हुए हैं परमेश्वर इनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में आमीन हाँ शाबाश जय मसीह की पापा क्या प्रॉब्लम थी आपको मेरे मसूड़े में जख्म था हाँ गांठ बन के उसमें आवाज आती थी और अभी क्या हुआ आपने बोला रुमाल हिलाओ और मेरे गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है सुनो परमेश्वर ने ठान लिया आज वो तुम्हें चंगा करके रहेगा हालेलुया देखो गिल्टियां गांठे जो मुंह में हो जाती है देखो कहीं पर होगी है लेकिन परमेश्वर ने आजाद कर दिया जाओ जाओ शाबाश नेक्स्ट नेक्स्ट फटाफट हाँ हालेलुया प्रॉफेट जी बहुत बड़ी गवाही है ये बहन बता रहे हैं इनको काफी टाइम से पैरालाइज की प्रॉब्लम थी जैसे इन्होंने रुमाल घुमाया चेक किया आजाद हो चुके हैं कहाँ से है बेटे कहाँ से है महाराष्ट्र से है पापा जी कब से थी गिल्टियां गांठे 7 महीने से 7 महीने से और अभी क्या हुआ अभी रुमाल घुमाई गए गिल्टियां गांठे उड़ गई है हालेलुया अपने पड़ोसी को पूछो अपने पड़ोसी को पूछो आता कितना हो गई है बोलो साडे चर्च भी जाता ही हो जाता ही है ऐसा ही बस होता है हालेलुया प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है ये भाई अपनी गवाही में बता रहे कि पेड़ में पथरियां थी अभी भी रुमाल घुमा के चेक किया आजाद हो चुके ओ मेरा खुदा है ओ जिंदा खुदा है धर्मेंद्र गवाही के साथ शाबाश हाँ नीचे से गवाही के साथ लड़के गवाही के साथ फटाफट हाँ शाबाश नेक्स्ट कब से प्रॉब्लम थी आपको नीचे से ले लेता पापा जी की जय मसीह की पापा जी की नहीं यीशु की जय मसीह की मुझे 5 साल से पथरी था 6-6 पथरी था कहीं नहीं सही हो रहा था मैं यहाँ पे क्या हुआ अभी क्या हुआ जब आप पूरी फोसी कर रहे थे मैंने रिसीव किया 5 पथरी धुआं बन के उड़ गया यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में वॉशरूम में जाकर चेक किया भाई ने बोल रहे करे के पथरियां उड़ गई है शाबाश नेक्स्ट हालेलुया हाँ प्रवृत्ति भाई बता रहे हैं 2 साल से टोटली बेड पर थे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कभी चल नहीं पाएगा कुछ नहीं हो सकता आज जब इन्हें बेड पर लेकर आए डायपर बांधना पड़ता है कुछ नहीं कर सकते अपने आप मगर अभी जब आपने ले हैंड प्रेयर किया बोलते जैसे आपने हाथ रखा आज पैरों में जान महसूस हुई और खड़ा हो गया माइक लेकर आओ शाबाश हाँ इसके पास माइक लेकर आओ हाँ 2 साल से मैं बिस्तर पे था और आज फिर मुखी में चल रहा हूँ डॉक्टरों ने मना कर दिया तू ठीक नहीं हो सकता डॉक्टरों ने क्या दिया था ठीक नहीं हो सकता 2 साल से मंजे पर था और अभी छुट्टी करवा के लाया मैं अस्पताल से सीधा ही आया चर्च में ये कह रहा है मैं अस्पताल से छुट्टी लेके सीधा चर्च में आया आज ये देखो सबूत है अगर मैं थोड़ा सा और नीचे करूँ तो मुश्किल हो जाएगा हाँ नहीं नहीं देखो आप ये डायपर बांधने पड़ते हैं इसको छुट्टी लेकर आया वहां से और इसको बेचारे को करे किसी ने बताया यहाँ चला जा मैं छठी बार आया आपके
छठी बार आया जी, मतलब तेरे को आज विश्वास हो गया कि मैं जाऊंगा जी, छुट्टी लेकर आया हॉस्पिटल से, जबरदस्ती छुट्टी ली कल, जबरदस्ती छुट्टी ली कल, और करे यहाँ पर आए और आज मंजे पर आए थे, आज कर चल रहा नाच रहा अपने पैरों पर खड़ा चंगाई, देखो पूरी चंगाई, हाँ देखो मार पैर मार जोर से, ओ तेरा पाक कला मानी पौधार रे, तेरा पाक कला मानी पौधार रे, यीशु जी मैं तू चाहिदा, हालेलुया। और भाई छुट्टी लेके आ जी एक दिन हमारे पास शोभा यात्रा में, चल शोभा यात्रा में आना, अपने हाथों को उठाओ शामा जोर से तारीफ करो, हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रही है, यस यस यस, 32 साल से पैरालाइज हो गया, 32 साल से व्हीलचेयर पे चल नहीं सकते, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, व्हीलचेयर पर आए थे, अभी जैसे आपने एनॉइंटिंग ऑयल लगाया, मिट्टी लगाई, बोलते मैंने जान को महसूस किया, व्हीलचेयर से खड़ी हो गई जैसे यीशु मसीह ने मिट्टी पे थूका, हमने थूका नहीं, हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया, हालेलुया। और क्या हुआ, यीशु मसीह ने मिराकल कर दिया, हालेलुया। 32 साल का शराब टूट गया, चल बेटे चल, चलो 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 चोर से नेक्स्ट, ओ मीठा मीठा हंसने के फूल के ओ दसर के, मीठा मीठा हंसने के फूल के ओ दसर, आज तू ना लाल हो गए, बाराओ 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 बाराओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम, नेक्स्ट 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 गवाही के साथ, हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी हुई है, सालों साल से व्हीलचेयर पर थे, वॉकर पे थे, अभी जैसे आपने हाथ रखा, लेहन प्रेयर किया, बोलते जान आई है, व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगे, चलो 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 शाबाश, एक दो तीन छोड़ दो, डंडे छोड़ दो, अपने स्टैंड छोड़ दे माता, स्टैंड छोड़ के चल, चल सकते हो, चल सकते हो, चल चल, वो देखो पैरालाइज वाला पेशेंट, कैमरा कर पर, कैमरा कर सामने, लड़की सामने कैमरा कर, अच्छा बस, हाँ चलो चलो, देखो छोड़ के चल रहा है, अबे आधे क्विंटल का मफरल गले में टांग के घूम रहा है, पड़ा पड़ रहा क्या बेटे, छोड़ दे उसको, तू हील हो गया, छोड़ उसको, चल उसके चक्कर में गिरना चाहिए, चल ऊपर आ जा स्टेज पर, पैरालाइज का पेशेंट, देखो ऊपर आ रहा है, ऊपर चल 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 चल, शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत कर हिम्मत कर, खड़ा कर, हाँ शाबाश, चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाँ हाँ शाब, हाथ लगाना, खड़ा हो जा शाबाश, हाँ खड़ा हो जा सीढ़ी पर, शाबाश चल चल, खड़ा कर इसको, चलो आ जा चल 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 मेरे कहा, चलो 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 चलो, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चलो चल 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 चल, आ जा कौन है कौन है, अपने हाथों को उठा शामा, जो नहीं कर सकता हाथों को उठा, ताड़ी बजा जोर से, तन्नू छो चंगा लगे,
मेनू जो चंगा लगे मेनू मेनू जो चंगा लगे बस ही देरी मेनू जो चंगा लगे बस चलो 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 जोर से तारीफ करो जोर से जाने दे उधर जाने दे साइड में चल बड़े रे भाग के चलो घूम जा अपने हाथों को उठाओ चलो शाबाश चलो चलो जी मेनू तू चाहिदा चलो जी मेनू तू चाहिदा जी मेनू तू चाहिदा देखो पैरालाइज का पेशेंट कितने साल से पैरालाइज है दो, दो, दो साल तो हाथ पे दो साल से हाँ नहीं एक साल ना मेरे को पैर पग में लगा अरे एक साल दो साल बेटे हाथ और हाथ पैर में तीन साल हो गया तीन साल हो गया टोटल पहले हाथ में फिर पैर में पैर पैर में फिर पैर में तीन साल हो गया तीन साल हो गया हाँ सर और अभी क्या हुआ अभी अभी सर ठीक है अभी ठीक लग रहा है हाथों को उठा शाबाश ऊपर कर हाथ जो से पैरालाइज थे ऊपर कर मीठा मीठा हसीनी के खुल के ओद सुनी मीठा मीठा हसीनी के खुल के ओद सुनी ना नाल होवेगा दवाइया सुन के शैतान रोवेगा बोला हालेलुया कह रहा है मेरे हाथ में पहले पैरालाइज हुआ फिर मेरी टांग में हुआ फिर दो साल टांग में रहा तीन साल और हाथ काम नहीं करते थे हाथ ऊपर उठा बेटे हाथ ऊपर उठा दोनों हाथ उठा मुट्ठी बंद कर और दोनों हाथों में ताड़ी मार इसे चल के दिखा शाबाश चल जो नहीं कर सकता चंगा हो गया जो तेनु चंगा लगे की तरफ देखे अपने हाथों को उठाओ इसी समय प्रार्थना कर रहे हैं अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसका अनुग्रह उसकी शांति युगानुयुग हम सब के साथ जो ब्रांचों से देख रहे हैं उनके साथ बनी रहे यीशु मसीह के नाम में आमीन जो ब्रांचों से देख रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग खुल रही है यीशु के नाम में आमीन बोलो आमीन आमीन इस समय यहां पर खड़े हैं परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है बुद्धि दे रहा है दो मिनट रोके मुझे ले एंड प्रे करनी है गवाही के साथ फटाफट गवाही के साथ हालेलुया प्रॉफेट जी बहुत बड़ी गवाही है ये बहन बता रहे इनको काफी टाइम से स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी अभी अभी इन्होंने रुमाल घुमाया चेक किया बता रहे आजाद हो चुके हैं हालेलुया क्या प्रॉब्लम थी बताएंगे शाबाश स्किन प्रॉब्लम ये पीछे कर दे स्टैंड वाले व्हीलचेयर वाले कुर्सी वाले पीछे कर सिर्फ ले हैंड वाले आगे निकाल फटाफट जल्दी हां जी जल्दी पापा जी एलर्जी की प्रॉब्लम थी और एलर्जी से टक लग जाते थे और रात को नींद भी नहीं आती थी सारा रात अभी क्या हुआ अभी 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 ठीक हो गई मैं अभी ठीक हो गया वो एलर्जी के जो खारिश होती थी भी खत्म हो गई है हाँ अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश पीछे और पीछे करो कुर्सी पीछे करो शाबाश हाँ अपने हाथों को उठाओ जोर से तारीफ करो शाबाश जोर से गवाइयों के साथ फटाफट हालेलुया प्रॉफिट जिस बैंड को 15 साल से गर्दन में गांठ थी अभी अभी रुमाल घुमाया चेक किया कांटे तू हवन के उड़ चुके हैं हालेलुया जो चंगा लगे मेनू हो ना देवी मेनू जो चंगा लगे मेनू हो ना देवी मेनू जो चंगा लगे वो ही देवी मेनू जो चंगा लगे तेरा बाप का नाम मन पौंदर वे अपने हाथों को उठाओ फिर से गाओ हालेलुया प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि दोनों पैरों में गांठें हो गई थी चल फिर नहीं सकते थे अभी भी रुमाल घुमा कर चेक किया चलने फिरने पा रहे हालेलुया
बंधन टूट के तेरे लगे ना कहती शूट दे तेरे लगे ना हालेलुया प्रॉफिट इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है बता रहे इनको 6 साल से एप्पल आइस था अभी अपने रुमाल के बाद चेक किया एप्पल आइस से जंगी हो चुकी है पानी लिया टूटते देर लगे ना कैदी शूटते देर लगे ना बंधन टूटते देर लगे ना कैदी शूटते देर लगे ना करते ताहरे हो मसो यीशु का अपने हाथों को उठाऊं शामाज मिलेंगे अगले संडे अपने हाथों को उठाऊं अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसका अनुग्रह उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे बोलो आमीन आमीन हम सुन रहे थे इन गवाहियों को बहुत सारे लोग गवाहियों के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं पवित्र आत्मा आपको आशीष दे गिल्टियां गांठे सबको जय मसीह की मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके सबको जय मसीह की एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जय मसीह की